दोपहर के एक बज चुके हैं और हम लेकर आए हैं आज का समाचार। मैं हूं सचिन। आज का समाचार अब तक की सारी खबरें ही नहीं बल्कि जरूरी खबरें भी। यहां आपको एक ही खबर बार बार नहीं दिखाई जाएगी लेकिन सबसे तेज और सबसे ताजा खबर की संपूर्ण गारंटी जरूर मिलेगी। दोपहर एक बजे के समाचार की शुरुआत आज की दो बड़ी सियासी खबरों से। कर्नाटक में इस वक्त सियासी नाटक क्लाइमैक्स के करीब पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक कल कांग्रेस जेडीएस के 4-5 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसा हुआ तो कल कर्नाटक सरकार गिर जाएगी। हालांकि खबर है कि कर्नाटक ने बगावत रोकने के लिए बाकी विधायकों को मंत्री पद का ऑफर दिया है। वहीं खबर यह भी है कि कांग्रेस से जुड़ी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने संघ के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है और संघ को देश के लिए संहारक बताया है। तो एक और कांग्रेस पर कर्नाटक में अपनी ही सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप लग रहे हैं। दूसरी ओर तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने संघ पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने संघ के खिलाफ बयान देते हुए आरएसएस को राष्ट्र संहारक संस्था बताया। कांग्रेस ने कहा कि देश के विकास में आरएसएस का कोई योगदान नहीं। आरएसएस का मतलब है राष्ट्र संहारक संस्था। ये वो संस्था है 1925 से लेकर आज तक जिसने नफरत के बीज बोए, जिसने हमेशा माफिया मांगी, जो संस्था हमेशा अंग्रेजों के साथ खड़े रही 1925 से 1947 तक। उसके पश्चात उसका देश के किसी विकास में कोई योगदान नहीं है। आप मोदी जी का पिछली बार का कार्यकाल देखिए, आरएसएस के हैं। इसके अलावा पहले जो सरकार रही है उसका कार्यकाल देख लीजिए। कश्मीर में बीज बोने का काम भी आरएसएस ने किया। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रभात झा हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के। हमारे साथ सुभ्रांश राय हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रभात जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है, राजीव त्यागी तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र संहारक, और ये पहली बार नहीं है कांग्रेस की तरफ से आरएसएस को लेकर के इस तरीके का बयान आना। मैं इसे थोड़ा सा पीछे अगर लेकर के जाऊं, राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं, अपने इस्तीफे में कारण वो अपनी हार के गिनाने के बजाय बीच में एक आरएसएस का कॉलम भी लिख देते हैं कि देखिए संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस कब्जा चाहता तो हो गया। तो आरएसएस को लेकर के कांग्रेस इतनी ऑब्सेसिव क्यों है और इतना भारी यूं कह सकते हैं कि मैंडेट आपके पास आने के बावजूद भी और उनकी इतनी हार के बाद भी? जब किसी विचारधारा का विस्तार होता है, आरएसएस पर प्रहार कोई राहुल गांधी जी और उनके प्रवक्ता राजीव त्यागी जी पहली बार नहीं कर रहे हैं। जवाहरलाल जी नेहरू ने किया था और जवाहरलाल जी के बाद इंदिरा जी ने किया, इंदिरा जी के बाद अन्य लोगों ने किए। सवाल क्या है कि किसी विचारधारा की बुराई करने से क्या इनकी विचारधारा अच्छी हो जाएगी? आज देश ने जिस विचारधारा को स्वीकार किया है वह है राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा। राष्ट्रीय विचारधारा को, राष्ट्रवाद को सबने स्वीकार किया है। अब इसके लिए कुछ भी कहें, राजीव त्यागी जी मैं इतना जानता हूं कि कुछ पढ़ लिख लेते, मैं नादान बयानों के लिए जवाबदार नहीं हूं। अगर पढ़ लें, वल्लभ भाई पटेल ने खुद लिखा है बहुत सारी बातें आरएसएस के बारे में। नेहरू जी ने स्वयं आरएसएस को बुलाया था इसी जनपद पर संचलन करने के लिए, राष्ट्र के सुरक्षा के लिए बुलाया था। और जब गणतंत्र दिवस पर परेड निकलता है, 26 जनवरी में परेड निकलता है, तो उस दौरान बुलाया गया था 1963 में। पूछ लीजिए जरा राजीव त्यागी जी, क्या नेहरू जी कम जानते थे, आप ज्यादा जानते हैं? क्या नेहरू जी गलत थे? ये सब बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहकर मीडिया में तो आ सकते हैं, लेकिन मीडिया के लोग भी अब जानते हैं कब तक कोसोगे आप। आज इस देश का राष्ट्रपति कौन है, आज इस देश का उपराष्ट्रपति कौन है, आज इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, आज इस देश का स्पीकर कौन है, आज इस देश के सैकड़ों सांसद कौन है, ये सब पता कर लीजिए आप। आपके रोंदने से हम नहीं रुकेंगे। जनता हमें विश्वास देती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोई राजनीति में तो है नहीं, वो सांस्कृतिक संस्था चलाती है, वो देश के उत्थान के लिए काम करती है, देश में हिंदू हित के लिए काम करती है, साफ एजेंडा है उनका। उनके बारे में बोलने से पहले कुछ अध्ययन कर लें, उनके नेताओं ने ही क्या क्या कहा है वो सोचने, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। शुभ्रांश राय,
क्या कारण क्या है कि यहां पर 44 से बढ़ के 52 और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ तो हालांकि मायावती भी करती है कि देखिए कैसे कैसे उनका कैडर पहुंचा, ममता बनर्जी अपने एक सांस्कृतिक संगठन वैसा बनाने की बात करती है, लेकिन समझ कांग्रेस को नहीं आती है जो कि 5 साल लगातार आरएसएस को गरियाता रहा और हालत कहां तक पहुंची कि अध्यक्ष को खुद इस्तीफा देना पड़ा, नया अध्यक्ष तक नहीं है पार्टी का, फिर वही ढाक के 3 पात। सचिन आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी शुभ्रांश राय। देखिए सचिन ऐसा है कि एक तो मैं शायद आपके कार्यक्रम में थोड़ा लेट से आया तो मैंने राजीव त्यागी जी का बयान ना देखा है ना सुना है, नंबर वन। नंबर दो, देखिए इतना बड़ा देश और उस लोकतंत्र में ना सबको अपने अपनी आवाज और अपने विचार रखने का आता संवैधानिक मताधिकार है, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, इसको आप किसी पार्टी लाइन से न जोड़े तो बेहतर है। नंबर थ्री, अभी चूंकि प्रभात झा जी ने जैसा जिक्र किया, हम सबके वरिष्ठ है और हम सब लोग इनको मार्गदर्शन के रूप में फॉलो करते हैं इनके बोले हुए शब्दों को, कि नेहरू जी ने आरएसएस को बुलाकर ऐसा कहा, नेहरू जी से लेकर नरसिम्हा राव और नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह ने क्या कहा, वो राजनीति में आज वैचारिक चीजें आप लोगों ने खत्म कर दी है। अगर मैं राजनीति के पहलू को थोड़ा एक महीना पीछे ले जाने की कोशिश करूं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोग, तमाम प्रदेश अध्यक्ष के लोग, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने क्या क्या कांग्रेस के बारे में, क्या कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोला है, अगर इन शब्दों का हम आकलन करें तो शायद ये देश माफ नहीं करेगा। लेकिन ठीक है, जनतंत्र है, जनमत ने आपको चुना है, आपको लगा है कि भारतीय जनता पार्टी आज के कार्यकाल में कांग्रेस से बेहतर हो सकती है। रही बात जो आपका सवाल है, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है और मैं ये मानता हूं कि संविधान ने अधिकार दिया है लोगों को अपना व्यक्तिगत विचार रखने का। लेकिन एक अगर मैं आरएसएस के पृष्ठभूमि में जाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, अगर मैं पृष्ठभूमि में जाने की कोशिश करता हूं तो आरएसएस कई जगह, जैसे अगर कश्मीर का बाढ़ नजर आता है तो आरएसएस के लोग नजर आते हैं, केरला में भी कुछ होता है तो आरएसएस के लोग नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली में अगर मंदिर टूट जाता है तो वहां आरएसएस के लोग नजर नहीं आते। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस पटेल सरदार साहब को प्रतिरूप बनाकर आज हमारे गृह मंत्री जी बार बार वक्तव्य और बयान देते हैं, उसी पटेल साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय राजनीति से बैन किया था। इन शब्दों को कोई भी मीडिया तंत्र बदल नहीं सकता। नहीं लेकिन शुभ्रांश राय, यहीं पर तो डबल मैं ये कहता हूं कि हिपोक्रेसी नजर आती है। एक तरफ आप राजीव त्यागी के बयान को निजी बता देते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं वो भी आरएसएस करते रहते हैं, दुनिया कह देती है, कभी आप उसमें हिंदू भी ले आते हैं, फिर आपके मैनिफेस्टो नजर आते हैं, फिर आप जहां तक दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अगर आरएसएस के लोग नजर आ जाते हैं मंदिर टूटने की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां तो आपने पार्किंग विवाद को मंदिर टूटना बना दिया, अगर वहां पर जिक्र कर लेते आरएसएस के लोग फिर तो आप तो आरएसएस पर इल्जाम लगा देते, देखिए आरएसएस ध्रुवीकरण की राजनीति करता है। मैं तभी कह रहा हूं ना, ये निजी बयान, ये डबल स्टैंडर्ड से नजर बातें, ये कहें कि अगर आपके पार्टी अध्यक्ष जो है वो इस हार को स्वीकारते, वो हार को स्वीकारने की बजाय उस चिट्ठे में जो है हार सामने वाले के ऊपर लिख करके जा रहे हैं कि भैया आपकी वजह से हार गए। सर इंट्रोस्पेक्शन भी तो कुछ चीज होता है। प्रभात झा, ठीक है, आपने जो सवाल उठाया मैं प्रभात झा से उसका जवाब ले लूं, फिर वापस आपके पास आऊंगा। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए देश को समझना जरूरी होगा, देश की संस्कृति को समझना जरूरी होगा। कुछ भी बोलना है और निजी वक्तव्य है तो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में वो बात करते हैं ना, जब वो बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से बात करते हैं। अभी राहुल जी कुछ बोले थे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत के बारे में, क्या हुआ सिवड़ी में बम्बई में 15,000 का मुचलका लगा, अभी क्या हुआ 6 जुलाई को कल जब पटना गए थे, ये तमाम सारे बयानों के बाद क्या क्या उनको भुगतना पड़ता है। सवाल क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इतनी फुर्सत नहीं है कि इन बातों का जवाब दे वो, क्योंकि देश जिसको दिक्कत क्या है, देश ने तो समझ लिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, समाज ने तो समझ लिया, लेकिन ये कांग्रेस के लोग आज तक संघ को समझ नहीं पाए। और नेहरू जी ने भी देश हित में बुलाया था संचलन के लिए कि आइए, और उसके बाद जब गुरु जी को कहा था कि आपको हमको बात करना पुरस्कृत करना है तो गुरु जी ने मना किया था कि नहीं, हमने हमारे स्वयंसेवकों ने राष्ट्रहित में कार्य किया है। सवाल क्या है कि आज स्थिति यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलिए, इनकी इन्हीं नादानियों के कारण तो आज ये हस्त्र हुआ है। राजीव त्यागी जैसे लोग जब बोलते हैं बिना आधार के, बिना तर्क के, बिना तथ्य के, तो यही हालत होती है। और इसीलिए महीने भर
प्रवक्ताओं पे रोक लगा दी गई थी। जानकारी के अभाव में गलत कभी भी नहीं बोलना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू हितों के लिए, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के लिए हजारों लोग आज अपने जीवन को समर्पित करके संघ का काम करते हैं। संघ यानी भारत, संघ यानी भारत की आत्मा, संघ यानी भारत की संस्कृति, संघ यानी भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संघ यानी एक एक जन के अंत्योदय का, उसके उत्थान के लिए। और यही नहीं, विश्व भर में हम वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो संघ की विचारधारा से विश्व प्रभावित हो उस दिशा में जाते हैं। और कब तक कोसते रहोगे राहुल जी, आप कब तक कोसते रहेंगी सोनिया जी, आप देखिए ना, क्या ये कहने से कोई गुरेज करेगा कि नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक रहे थे, ये कोई मना करेगा क्या? वेंकैया जी संघ के स्वयंसेवक हैं, मना करेंगे क्या आप? रामनाथ कोविंद जी संघ के स्वयंसेवक हैं, मना करेंगे आप? ओम बिरला जी संघ के स्वयंसेवक हैं, मना करेंगे आप? देश में आज संघ के निकटतम विचारधारा के लोगों का आज जनता स्वीकार कर रही है। जनता को भी गलत कह दीजिए आप, ठीक है, राजनीति में नहीं है संघ, लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना, अपने निकटतम विचार प्रभात जी, इसका मतलब ये हुआ। शुभ्रांश, मुझे ब्रेक लेना, लेकिन उससे पहले मैं 30 सेकंड्स आपको दूंगा, क्योंकि प्रभात जी से मैंने सवाल किया था। बात ये हो गई ना, इसका मतलब आरएसएस तो बहाना है, हिंदू हितों पर निशाना है नंबर एक, पार्टी में अध्यक्ष कोई भी रहे। और दूसरा, ये हम ये कहते थे ना कि जब तक राहुल है पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। राजीव त्यागी ने प्रूव कर दिया कि भैया हम भी बैठे हैं, कोई बात नहीं, बीजेपी जीतती रहे, संघ जीतता रहे, हम तो बैठे हैं यहां पर, बैठे अपनी लुटिया डुबोने के लिए। 30 सेकंड लास्ट सचिन, जाते जाते ना कुछ होता है, आप सवाल कभी कभी बड़ा अच्छा पूछ देते हो। संघ का मतलब हिंदू नहीं है, इस वहम को आप निकाल दीजिए। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का मतलब लगता था हिंदू प्रतिनिधित्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार का मतलब संपूर्ण देश होता है। और दूसरा, इन्होंने जो वक्तव्य का जिक्र किया राजीव त्यागी जैसे लोगों के बयानों का, तो प्रभात झा जी से मेरा हाथ जोड़ के कृतज्ञ निवेदन है। और मैं एक शब्द रखना चाहता हूँ, हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, पूर्वांचल के वासी, वहां एक शब्द कहा जाता है कि धुआं तभी आता है जब कहीं आग लगी होती है। तो उन्होंने अगर कोई वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य के पीछे कुछ न कुछ संघ की स्टोरी उनके पास या कोई जानकारी होगी, तो परफेक्ट आंसर वही दे सकते हैं। लेकिन ये सच है कि अगर सिक्के के एक पहलू में अगर संघ को आप भारत से जोड़ते हैं कि संघ का मतलब हिंदुस्तान है, सर, ये डिबेट हालांकि लंबी जा सकती है। शुभ्रांश, ये डिबेट लंबी जा सकती है, लेकिन ये मालूम आपको भी है कि 23 तारीख के बाद रिजल्ट क्या आया है, और उस विचारधारा को जिसको माना गया आप लोगों ने कि हाँ, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में ये रखी गलती हुई, इंदित को गरियाना गलती हुई, आरएसएस को बात करनी गलती हुई, वही गलती मुझे लग रहा है कि ये दोबारा करने की कोशिश हो रही है। खैर, आप बेहतर जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए।